एवरीवन, तो अभी देखिए धूप निकली हुई है बहुत तेज़ और दोपहर के 1 बज रहे हैं इस समय और मुझे बाहर जाना है, मुझे एक अर्जेंट गिफ्ट लेके आना है अपने बेटे के फ्रेंड के लिए। तो बस मैं अभी जल्दी जल्दी सारे काम कर लिए, लंच भी कर लिया और अब मैं जा रही हूँ और मुझे 4 बजे तक वापस आना है बच्चों के आने से पहले। सो ऑल सेट टू गो नाउ और मेरी गोल्डन नेल पॉलिश और मेरे नोज़ की टिप पे बहुत ही गंदा सा पिंपल निकला है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। मैं रेगुलर में मेरा जो रोज में आउटफिट है मेरा हमेशा कैप्री और टी शर्ट ही पहनती हूँ ज़्यादातर, और ये जो चप्पल है बहुत ही कॉम्फी है, बारिश में भी आराम से चल जाती है, इसलिए ज़्यादातर मैं यही पहनती हूँ क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है। और बस जल्दी जल्दी जा रही हूँ, धूप बहुत तेज़ है, बहुत ही गर्मी लग रही है। और धूप बहुत तेज़ निकली हुई है तो सबसे पहले मैं आपको एक बैग शॉप में लेके जाऊंगी, चार्ल्स एंड कीथ। तो मैं आ गई हूँ चार्ल्स एंड कीथ में और चार्ल्स एंड कीथ एक लोकल ब्रांड है, सिंगापुर ब्रांड है। ये देखिए अभी लेटेस्ट कलेक्शन है इनका, ये बॉक्स हैंड बैग्स बहुत ही ट्रेंडी है ये सारी चीज़ें, और अगर आप दूसरी कहीं जगह से कंपेयर करेंगे तो सिंगापुर में चार्ल्स एंड कीथ का सस्ता पड़ता है आपको बैग या शू या कोई भी चीज़ अगर आप ख़रीदते हैं। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे कलेक्शन है, लेटेस्ट सारा ट्रेंडी आजकल जो भी है वो मिल रहा है यहाँ पे। तो ये बैग सारे लेटेस्ट कलेक्शन है इनका, ट्रेंड मतलब ट्रेंड में है इस तरह की, और बहुत ही सुंदर लग रहे थे, कलरफुल लग रहे थे, और शूज़ भी इनके फुटवेयर भी बहुत अच्छे हैं, मैंने यूज़ किए इनके फुटवेयर। एंड ऑल दीज आर दी लेटेस्ट कलेक्शन फ्रॉम चार्ल्स एंड कीथ, दीज आर दी बकेट बैग्स जो आजकल बहुत चल रहे हैं बकेट बैग्स। तो ये सभी इस समय जो करंट यहाँ पे डिस्प्ले पे है ये सब लेटेस्ट कलेक्शन है। ये बॉक्स बैग भी जो है लेटेस्ट कलेक्शन है इनका, इनके क्लचेस बहुत फेमस हैं, हैंडबैग्स बहुत फेमस हैं, फुटवेयर भी बहुत अच्छे हैं। पहले फुटवेयर में डिज़ाइन नहीं होती थी ज़्यादा, ये क्लच मैंने चेक किया मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने इसका हैंडबैग यूज़ किया आज से 5 ईयर्स पहले, जब मैं सबसे पहली बार सिंगापुर सिर्फ घूमने के लिए आई थी तब मैंने एक हैंडबैग लिया था। तो जो प्राइस उस हैंडबैग की उस समय थी वही प्राइस आज भी है, मैंने चेक किया। और ये क्लच देखिए $47 का है आपको डिस्काउंट, और फुटवेयर चेक किया मैंने, ये चप्पल डिस्काउंट में थी $21 की थी सिर्फ, मेरा मन था लेने का लेकिन फिर मैंने ली नहीं। तो बहुत ही अच्छी लग रही है, मेरे पैर बिना नेल पेंट के हैं जो बहुत ही रेयर होता है। गोल्डन येलो कलर की चप्पल मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इसमें 3 कलर्स थे, तो देखती हूँ कौन सा लेती हूँ मैं। ये बैग्स देखिए कितने सुंदर हैं, और ये बैग तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, और ये 65 के थे। अच्छा छोटे बैग्स ज़्यादा महंगे हैं, अगर आप बड़ा बैग देखेंगे जो मैंने बताया कि मैंने 5 ईयर्स पहले जो बैग लिया था वो आज भी सेम प्राइस पे है, तो उसका रीज़न है कि वो बहुत बड़ा है। जो छोटे बैग्स होते हैं और जिसमें डिटेलिंग होती है वो महंगे होते हैं ज़्यादातर। तो मेरे पास एक छोटा सा बैग है जो बहुत ही छोटा है लेकिन 65 का है, और इनके पास 65 की रेंज में एक बड़ा बैग भी है, और ये बहुत ही ट्रेंडी कलेक्शन है इनका, बहुत सुंदर कलेक्शन है ये। और ये गोल्डन येलो सैंडल्स मुझे अच्छे लग रहे थे तो पहन के ट्राई किया मैंने, और ये मुझे गोल्डन कलर मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसे लग रहे हैं बताइए। और पूरा कलेक्शन ही बहुत ही ट्रेंडी है इस समय। ये बैग था जो 65 का था और मैंने आज से 5 साल पहले भी 65 का ही लिया था। और ये है बॉसिनी, बॉसिनी से मैंने अपने बेटे के लिए एक टी शर्ट ली और उसके बेस्ट फ्रेंड के लिए एक टी शर्ट ली, मुझे लेनी तो एक ही थी लेकिन मैंने अपने बेटे के लिए भी ले ली, सेम दोनों की सेम टी शर्ट ले ली। अच्छी अच्छा कलेक्शन है इनके पास सभी के लिए। और ये बॉडी शॉप, यहाँ से मेरे पास $10 का वाउचर था तो मैंने कहा चलो यूज़ कर लेती हूँ, मेरा आई रोलर भी ख़त्म हो गया था तो मैं लेने गई। ये बहुत लूटते हैं, चीज़ें तो अच्छी हैं, इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा आप या तो वाउचर यूज़ कर सकते हैं या अपना 25% डिस्काउंट यूज़ कर सकते हैं या अपना मेंबरशिप पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, एट अ टाइम आप एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मैंने अपना वाउचर यूज़ किया
और ये टेम्पलीज वन मॉल में एक स्टॉल थी, देखिए back. शॉपिंग हो गई मेरी सारी, मैंने कुछ चीज़ें खरीदी हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो शूट करने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ हॉल वीडियो बना दूँ क्योंकि इसमें फिर लंबा हो जाएगा, तो हॉल वीडियो में मैं अपने बैग और शूज़ जो भी मैंने लिए हैं वो चीज़ें मैं दिखा दूँगी अपनी। ये कोई शो ऑफ वीडियो नहीं होगा, ये सिर्फ इसलिए होगा कि अगर आप सिंगापुर आते हैं या अगर आप सिंगापुर में हैं तो आपको अगर मतलब आपको पता होना चाहिए कि सिंगापुर में कहाँ पे कौन सी चीज़ मिलती है। तो बस नेक्स्ट वीडियो सोच रही हूँ, हॉल वीडियो देखिए बनाती हूँ कि नहीं बाद में बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कलेक्शन हो गया इधर शॉपिंग का, कुछ कुछ चीज़ें खरीदी हैं तो सोच रही थी। और ये कहीं से भी शो ऑफ वीडियो नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत ही मिडिल क्लास सिंपल सी लड़की हूँ, मेरे पास बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं जो आजकल इंडिया में लोगों के पास बहुत ही ट्रेंडी और बहुत ही हाईफाई चीज़ें होती हैं उसके अकॉर्डिंग तो मेरे पास बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ जिससे कि आपको पता चले कि आप सिंगापुर से क्या शॉपिंग कर सकते हैं। और ये वीडियो बहुत ही मैं सिंपल बनाती हूँ क्योंकि मैं जैसी हूँ, मैं जो काम रोज़ करती हूँ मैं वही दिखाती हूँ आपको। तो आजकल मेरा शॉपिंग का चल रहा है थोड़ा, मैं बीच बीच में जा रही हूँ, अदरवाइज़ मुझे इतनी जल्दी टाइम नहीं मिलता है कि मैं मॉल में घूमती रहूँ। और कुछ वीडियोस मैंने पहले शूट किए थे जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ, वीडियोस मेरे पास बना के जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे रखे हुए हैं मैंने और मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ। तो ये वीडियो तो आज का ही है, लाइक फ्राइडे का ही है, लेकिन मेरे पास पुराने भी बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं जो मैं एडिट नहीं कर पा रही और मैं उनको भी आपको जल्दी ही दिखाऊँगी। टाइम हो गया था तो फटाफट जाके, धूप बहुत तेज थी, अपनी बेटी को लेके आई। और बस घर आ रही हूँ, धूप बहुत तेज है अभी भी। ये दो टी शर्ट है बॉसिनी की, एक बेटे के लिए और एक उसके फ्रेंड के लिए। और ये बॉडी शॉप का अभी ऑफ़र चल रहा था, बाय एनी 3 in 18, तब मैंने ये लिया था लास्ट वीकेंड जब मैं गई थी शॉपिंग के लिए अपने गिफ्ट के लिए हस्बैंड के लिए, हस्बैंड के साथ भेजने के लिए। तो दो बॉडी बटर और एक बॉडी स्क्रब लिया था मैंने $18 में। तो मेरी लास्ट परचेज पे मुझे $10 का वाउचर मिला था, तो वो वाउचर यूज़ किया मैंने आज। और ये यूथ आई कंसनट्रेट लिया, ये मैं यूज़ कर रही हूँ, एक मेरा मैंने यूज़ किया लास्ट और वो ख़त्म हो गया, तो मैं ये लेके आई हूँ आज दूसरा। तो ये मुझे अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, आप ट्राई कर सकते हैं अंडर आई पे लिए। और थोड़ा सा मुझे डार्क सर्कल्स कम नज़र आ रहे हैं इसको जब से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो और बस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, होप यू विल लाइक दिस। और अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।